फिजा काजमी, हम मौजूद हैं एग्री एशिया में। गुजरात के गांधीनगर में इस एग्जीबिशन का हर साल आयोजन किया जाता है। एग्रीकल्चर से जुड़ी तमाम बड़ी कंपनियां यहां आती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बीकेटी के मानस शर्मा, रीजनल मैनेजर हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका फसल क्रांति में। एग्री एशिया जो अपने आप में एक इतना बड़ा इवेंट है, आप उसका हर साल पार्टिसिपेट करते हैं, क्या इस बार अलग है? जी, इस बार एक तो सारी कंपनियां जो है अपना नया नया प्रोडक्ट जो है डेवलपमेंट हुए हैं, और कोविड के बाद से जब से देखा जाए न्यू प्रोडक्ट जो डेवलप हुए हैं वो डेमोंस्ट्रेट कर रहे हैं। सारे सीड्स वाले हैं, सारे बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो हमको भी प्रमोट करने को मौका मिल रहा है अपने बीकेटी टायर को और कस्टमर तक पहुंचाने को। जी मानस जी, जब हम देखते हैं टायर्स इंडस्ट्री को स्पेशली, हम देख सकते हैं कि पीछे कई टायर्स हैं, क्या कुछ स्पेशलिटीज हैं? एक फार्मर्स तक पहुंचना टायर कंपनी के लिए कितना आसान है और क्या चुनौतियां हैं? जी, चुनौती तो बहुत सारी है, बिकॉज कस्टमर को कन्विंस करना, बताना कि टायर कौन सा अच्छा है, उसके यूज के हिसाब से हम उसे सजेस्ट करते हैं कि आप ये वाला टायर यूज करिए, उसकी जरूरत समझते हैं, जरूरत के हिसाब से हम उसे सजेशन देते हैं कि आप ये वाला टायर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हमारी रेडियल रेंज भी आई है बहुत सारी, हम उसे भी प्रमोट कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि रेडियल प्रोडक्ट्स कितना अच्छा है, अगर आप यूज करेंगे तो ड्यूरेबिलिटी ज्यादा मिलेगी, आपको पैसे कम खर्च करने पड़ेंगे, आपको प्रोडक्टिविटी अच्छी मिलेगी, तो ये सारी चीजें हम पहुंचा रहे हैं कस्टमर तक। प्राइस रेंज की अगर हम बात करते हैं तो क्या सिर्फ क्या प्राइस रेंज रहता है किसानों के? जी, प्राइस रेंज हम कोशिश ये करते हैं कि बेस्ट प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचा पाए और बेस्ट रेट, सो दैट ताकि कस्टमर जो है अच्छा टायर यूज करे और उसे ड्यूरेबिलिटी अच्छी मिले, हमारी यही कोशिश रहती है। मानस जी, आपसे आखिरी सवाल हमारा यही रहेगा, गुजरात के साथ साथ आप और जो अन्य स्टेट्स हैं, क्योंकि भारत में कई कृषि प्रधान ऐसे राज्य हैं जहाँ पर टायर्स का अगर हम बात करें, यूपी, पंजाब, हरियाणा, ऐसी जगहों पर ज्यादा लैंड्स हैं, फार्मर्स ज्यादा कनेक्टिंग है, तो क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे फार्मर्स? जी, हम सबको यही बताना चाहेंगे कि अपनी जरूरत समझे, जरूरत के हिसाब से अगर आप सही प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आपको ज्यादा समय के लिए आपको वो मिलेगा प्रोडक्ट, आप कम पैसे खर्च कर पाएंगे और अच्छा प्रोडक्ट यूज कर पाएंगे, तो हम सबको यही सजेस्ट करेंगे कि अपनी जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट यूज करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मानस जी हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। तो ये थे मानस जी बीकेटी से, जिन्होंने हमें बताया कि ट्रैक्टर्स के लिए टायर्स की क्या महत्वपूर्णता है और किस तरह बीकेटी कृषि क्षेत्र में काम कर रही है। फसल क्रांति के साथ जुड़े रहिए, तमाम बाकी खबरें आपको अपडेट रहती रहेंगी।